हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका इंड्रोमेनिया पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रियलमी OS, जिसके बारे में आप लोग अब तक सुनते आ रहे थे, देखते आ रहे थे, और आज मैं फाइनली जो मैं आपको बता रहा हूँ वो दोस्तों कन्फर्म्ड है, और वो ये कि रियलमी OS नहीं आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, रियलमी OS नहीं आने वाला है। उसकी जगह क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो सब अपन आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरी एंड तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, इसके बीच में बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी बातें हैं जो समझ में नहीं आएगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, उसी के पास में आपको बेल आइकन भी दिख जाएगी, उसे भी आप प्रेस कर दीजिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम अभी हमारे फ़ोन में देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि हमारे फ़ोन में ColorOS 6 है। जी हाँ दोस्तों, ColorOS 6 है, और ये जो अपडेट है ये हमें काफ़ी टाइम पहले आ चुका था, लगभग से सबके फ़ोन में धीरे धीरे मिल गया था। लेकिन ColorOS 6 के बाद में एक खबर थी वो उड़ी, और वो ये कि Realme OS आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, Realme OS आने वाला है। इसके बारे में मैंने आपको वीडियो भी बनाई थी, अगर आपने उसको नहीं देखी तो आई बटन ऊपर दिख जाएगा, आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा। तो देखिए उसमें जो बात है वो ये कि जो खबर थी वो ये थी कि Realme OS आने वाला है, लेकिन जो स्टार्टिंग होने वाली है वो होने वाली है Realme 3 Pro से, जिसमें आपको बीटा अपडेट मिलने वाला है। तो काफ़ी सारे लोगों को बीटा अपडेट मिल गया है, लेकिन दोस्तों वो जो OS है वो है ColorOS 6 का ही अपडेट। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, Realme OS नहीं आने वाला है, ColorOS 6 का ही अपडेट आ रहा है। धीरे धीरे Realme 3 Pro में बीटा अपडेट मिल रहा है, और उसमें क्या कुछ चेंजेस करे गए हैं क्या नहीं किए गए हैं वो सब आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको एक इमेज सामने दिखेगी, देखिए एक बार। तो दोस्तों आज दिल्ली के अंदर रियलमी की 5 सीरीज़ है, 5th सीरीज़ वो लॉन्च कर दी गई है आज दिल्ली के अंदर। और वहाँ पर दोस्तों साथ में एक और खबर देखने को मिली है, वो मिली है ColorOS 6 के बारे में। तो देखिए दोस्तों वहाँ पे क्या क्या बातें हुई है मैं आपको बता देता हूँ। ColorOS 6 का नया अपडेट धीरे धीरे आ रहा है, और आने वाले समय में धीरे धीरे सभी डिवाइस को मिल जाएगा। तो देखिए बात कर लेते हैं व्हाट्स न्यू इन ColorOS 6। तो क्या कुछ नया देखने को मिलने वाला है आपको ColorOS 6 के बारे में, तो चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको जो मिलने वाला है वो मिलेगा आपको एक चेंज, और वो चेंज होने वाला है लॉक स्क्रीन पे, होम पेज पे और नोटिफिकेशन बार के अंदर। तो ये तीन जो चेंजेस है, ये चेंजेस तो हैं, इसके अलावा और भी चेंजेस होने वाले हैं जो कि बड़े चेंजेस होंगे, तो वो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा जब आपको अपडेट आपके फ़ोन में मिलेगा। तो देखिए बात कर लेते हैं न्यू डिज़ाइन। आप देख सकते हैं आपको स्क्रीन पे दिख रहा है जो लॉक स्क्रीन है वो चेंज कर दी गई है। अभी जो ColorOS 6 में जैसा आपको देखने को मिलती है लॉक स्क्रीन, वो चेंज होने के बाद में जब आपके फ़ोन में ColorOS 6 का नया अपडेट आएगा तब आपको लॉक स्क्रीन वैसी देखने को मिलेगी जैसी आपको इमेज में दिख रही है। इसी के पास में बात कर ले तो होम पेज आपको यहाँ पर बिल्कुल चेंज है, होम पेज भी आपको चेंज करके दे दिया जाएगा। नोटिफिकेशन बार की बात करें तो दोस्तों अभी आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन बार देखते हैं तो जो चेंजेस किए गए हैं, मतलब जो खास बड़ा चेंज नहीं किया गया है, बस छोटी छोटी चीज़ें चेंजेस की गई है जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है नोटिफिकेशन बार में। तो अगर मैं कहूँ कि क्या नया है तो बस दोस्तों ये कुछ चीज़ें हैं जो ColorOS 6 को पुराने वाले ColorOS 6 यानी कि जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं उससे अलग करती है नए ColorOS 6 में। तो ये तीन चेंजेस मैंने आपको बताएं, इसके आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक और बात ये है, यहाँ पे जो हाईलाइट किया गया है वो किया गया है रियल प्राइवेसी को। यहाँ पे दोस्तों जो फिंगरप्रिंट है, फिंगरप्रिंट शॉर्टकट टू हिडन स्पेस, जी हाँ दोस्तों ये आपको चेंज देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपको मैनुअल लॉक का भी आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो ये दो चेंजेस किए गए हैं जो कि आने वाले ColorOS 6 के अपडेट में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हॉटस्पॉट मैनेजमेंट में भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे जो कि है स्पीड कंट्रोल और डाटा यूजेस मैनेजमेंट का। तो ये भी आपको चेंजेस देखने को मिल जाएगा हॉटस्पॉट मैनेजमेंट के अंदर। अब बात कर ले ये अपडेट कब कब किन किन डिवाइस में देखने को मिल जाएगा। ये जो अपडेट है दोस्तों ये OTA अपडेट आने वाला है सभी डिवाइस के लिए, लेकिन आने में अभी इसके टाइम है तो धीरे धीरे आपके सभी डिवाइस के अंदर मिल जाएगा ये अपडेट। तो डिज़ाइन अपडेट है, रियल प्राइवेसी अपडेट है, हॉटस्पॉट मैनेजमेंट का अपडेट है। तो ये तीन फीचर्स जो है वो हाईलाइट किए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों और भी फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ, इन तीनों के अलावा और भी फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो एक बात तो दोस्तों यहाँ पे कंफर्म हो गई है, वो ये कि Realme OS नहीं आने वाला है, ColorOS 6 में ही आपको अपडेट मिलेगा।
तो अब बात कर लेते हैं कि रियलमी ओ एस आएगा या फिर नहीं आएगा। देखिए दोस्तों, रियलमी ओ एस आएगा, ज़रूर से आएगा। कब आएगा चलिए बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो रियलमी ओ एस है वो बहुत ही जल्द आएगा, मतलब फ़िलहाल अभी तो नहीं आएगा लेकिन थोड़े टाइम बाद आएगा, जब कंप्लीट चेंज हो जाता है। अभी तो मैंने आपको कुछ छोटे मोटे चेंजेस बताए हैं जो कि कलर सिक्स में अभी कंपनी कर रही है। इसके बाद में धीरे 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 सभी चेंज हो जाता है, ये कलर सिक्स से अलग दिखने लग जाता है, तब आप ये समझ लेना कि कंपनी फिर उसको जो है रियलमी ओ एस का नाम दे देगी। तो ऐसे में हमें कलर सिक्स का ही अपडेट मिलेगा, रियलमी ओ एस नहीं मिलने वाला। तो बस दोस्तों, यही था आज की इस वीडियो में। मुझे उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर तो ज़रूर करिएगा। तो बस दोस्तों, मिलते हैं अगली एक्साइटिंग वीडियो के साथ में। जब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, अपनी फैमिली का। तो जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।